हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपने ऑफिस के काम में बहुत ही बिजी है। जनकुक वो तियांग के लिए लंच लेकर उसके ऑफिस आ जाते हैं क्योंकि जिन ने उसे कहा था। आर्यम जिन जनकुक अपने घर पर रहने के लिए फोर्स किया है। वो गाँव से यहाँ पर आया है पढ़ने के लिए। जनकुक पढ़ने के साथ साथ उसको तियांग से भी प्यार हो जाता है और तियांग भी कहीं ना कहीं जनकुक को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसने कभी जनकुक से नहीं कहा। जनकुक जब तियांग के लिए लंच लेकर आ गए, जनकुक ने देखा कि तियांग पहले से ही किसी और के बहुत ही क्लोज है। वो कोई लड़की थे यानी जेनी। जेनी तियांग को पीछे से हक करते कहता है, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग जेनी को खुद से अलग करते कहा, तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ जेनी, कितनी बार कहो। जेनी ने कहा, तियांग प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। एक आकर फिर से तियांग को टाइटली हक कर लिया, वो उसे छोड़ नहीं रहा था। तियांग उसको खुद से अलग करने की कोशिश ही कर रहे थे कि जनकुक ने उन दोनों को इस तरह से देख लिया और वो गलत समझ लिया। जनकुक के हाथ से लंच नीचे गिर जाता है और तियांग आवाज सुनकर जैसे बाहर की तरफ देखता है। वो जनकुक को देखकर बहुत ही शौक हो गया कि जनकुक ने हमें इस तरह से देख लिया। और वो जेनी को धकेलते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे इस तरह से टच करने के, आज अगर तुम्हें वैसे उससे गलतफहमी हो गया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेनी ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसकी बात कर रहे हो तुम। लेकिन तियांग वो उसकी सवालों का आंसर किए बिना ही जनकुक का पीछा करते जाने लगा। जनकुक वो बहुत ही रो रहा था, उसकी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे। तियांग को लगा शायद जनकुक घर आ गया होगा। तियांग जैसे घर आ जाता है, जेनी ने कहा, तियांग क्या हुआ, इस टाइम पर तुम घर पर क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लंच भेज दिया था, मुझे लगा जनकुक का तुम ऑफिस में ही लंच करने वाले हो, लेकिन तुम तो घर आ गए। जनकुक तुम्हारे ऑफिस में गए, तियांग कहता है, मुझे पता है, लेकिन वो अभी घर आ गया है, क्या वो घर नहीं पहुंचा। जिन ने कहा, क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया। जिन ने कहा, क्या ए तुमने क्या कर दिया तियांग। तियांग ने कहा, मैंने क्या किया है। जिन ने कहा, तियांग मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जनकुक को सारी बातें क्लियरली कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं तुम कहा मेरी बात सुनते हो, तुम्हें तो हमेशा अपने मन का ही करना है। तियांग ने कहा, मुझे अभी इन सारी बातों का टाइम नहीं है, मुझे अभी जनकुक को ढूंढने जाना होगा। जिन ने कहा, कहाँ ढूंढोगे उसे। तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, जहाँ से भी हो मुझे उसको ढूंढकर लेकर आना है। बारिश शुरू हो गया था, तियांग भीगने लग गए थे। तियांग जनकुक को ढूंढने के लिए कार से बाहर आ जाते हैं और हर जगह पर जनकुक को ढूंढने लग गया, हर एक कॉर्नर पर। कहीं जनकुक किसी रास्ते के कोना पर बैठकर रो तो नहीं रहा है, तियांग यही सोचकर हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन जनकुक कहीं पर भी नहीं मिलता है। तियांग अपनी सर पकड़ लेता कहता है, ओ शिट, ए मैंने क्या कर दिया। बैदई लॉ ने सही कहा है, मुझे पहले जनकुक को बता देना चाहिए था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने उसको समझने के लिए बहुत टाइम लगा दिया और उसको बताने के लिए भी बहुत देर कर दिया है। कहीं जनकुक मुझसे खो तो नहीं गया, लेकिन मैं उसे खोने नहीं दे सकता हूँ। कैसे भी करके मैं जनकुक को ढूंढ निकालूंगा। और तियांग हर जगह पर जनकुक को फिर से ढूंढने लगता है। फाइनली जनकुक तियांग को मिल जाता है। जनकुक रास्ते के बीच में बारिश में खड़े होकर भीग रहा था, पीछे से एक कार आ रहे थे। तियांग दौड़कर जाते हैं और जनकुक को अपनी बाहों में खींच कर लेकर आ जाते हैं और उसको टाइटली हक करते कहा, थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें अभी कार ठुकरा कर चले जाते। जनकुक ने कहा, तो क्या फर्क पड़ता है मैं रहूँ या ना रहूँ। तियांग ने जनकुक की लिप पर किस कर लिया और कुछ देर बाद उससे अलग होकर कहा, तुमने ऐसी बातें बोल भी कैसे दिया, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। जनकुक ने कहा, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जेनी से प्यार करते हो, मैंने देख लिया है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करने वाला हूँ तियांग। तियांग ने कहा, जनकुक वो झूठ था। जनकुक ने कहा, क्या आंखों से देखा हुआ चीज झूठ नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा, जनकुक आंखों से देखा हुआ चीज हमेशा सच भी नहीं होता है ना, वो जेनी मुझे हक कर रहा था, मैं नहीं, मैं उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उसी टाइम तुम आकर देख लिया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जेनी से नहीं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने उसको क्लियरली बता दिया और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज जनकुक मुझसे शादी कर लो, उसके बाद हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा। जनकुक ने कहा, तियांग क्या तुम सच बोल रहे हो। तियांग ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, जबकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मुझे समझने में थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोला है, तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो तुम मेरी
कोई परीक्षा ले सकते हो, मैं उस पर खड़े उतरूंगा। जनको ने कहा, ठीक है तो तुम रस्ते के बीच में जकड़ खड़े हो जाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे जान दे सकते हो या नहीं। तियांग ने कहा, ठीक है। जैसे ही तियांग जाने लगा, जनको तियांग को पीछे से हक करते कहा, मत जाओ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तुम सच में अगर मर जाओगे तो मैं किससे प्यार करूंगा, और मैं तुम्हें कहाँ से लेकर आऊंगा वापस। मैं तो बस ऐसे ही देखना चाह रहा था, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर यकीन है। तियांग ने कहा, तो तुम मुझसे शादी करोगे ना। जनको ने कहा। उसके बाद तियांग और जनको बहुत ही खुश होकर वो दोनों घर लौटता है। जीन ने कहा, तियांग तुम्हें जनको मिला क्या। उसके बाद जनको को देखकर जीन उसको गले लगाते कहा, तियांग गुप्त की तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मैसन तुम ठीक तो हो ना। जनको ने कहा, मैं ठीक हूँ। जीन कहता है, तुम ऐसा क्यों करते हो, मुझे कितना डर लग रहा था, कहीं अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। जनको ने कहा, मुझे कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि मुझे बचाने के लिए तियांग है ना। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा, मैं हमेशा तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जीन ने कहा, ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों जाकर कपड़े चेंज कर लो, वरना तुम दोनों को ठंड लग जाएगा। तियांग ने कहा, चलो जनको, मैं तुम्हारे बाल को सुखा देता हूँ। जनको ने कहा, तुम्हारे बाल भी गीला हो चुके हैं। तियांग ने कहा, तुम मेरे बालों को सुखा देना ठीक है। एक एक जनको की हाथ पकड़ कर वो अपने साथ लेकर जाने लगा। जीन उन दोनों की रोमांस देख कर वो सोफे में अपने सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। आर्यम वो जीन की गर्दन में मसाज करते है कहा, क्या तुम ठीक हो। जीन ने कहा, आर्यम वो दोनों कितना रोमांटिक है ना। आर्यम ने कहा, मैं भी कुछ कम नहीं, क्या दिखाऊ तुम्हें। और यहाँ पर तियांग जनको की बालों को सुखा रहे थे। जनको ने कहा, तियांग मैं ठीक हो, चलो मैं तुम्हारी बाल को सुखा देता हूँ, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगा। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जनको जैसे तियांग की बालों को सुखाने लगा, तियांग ने जनको की कमर में दोनों हाथों से कसके पकड़ते कहा, आई रियली लव यू। जनको ने कहा, तियांग आई लव यू टू। उसके बाद दोनों एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आने लगा, दोनों के बीच में बहुत ही रोमांटिक मोमेंट होने लगा, दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली दोनों के बीच में जो दूरियां था वो कम हो गया। शावर लेने के बाद दोनों नाइट सूट पहन लेता है और वो दोनों बेडरूम में जाकर सोने ही वाले थे। आज जनको का तियांग अलग नहीं सोना चाह रहा था, दोनों एक दूसरे के रूम में जाने से पहले एक दूसरे को देखे जा रहा था, कोई किसी के रूम में नहीं जा रहे थे, दोनों बीच में खड़े थे। तियांग ने जनको की हाथ पकड़ते कहा, मेरे साथ चलो। जनको ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तियांग ने कहा, जनको क्योंकि हमारे बीच में जो दूरियां था वो कम हो गए, तो अभी कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहा, क्यों ना हम दोनों साथ में जाकर सो जाते हैं, वैसे भी हमारे बीच में पहले सब कुछ हो चुके हैं। जनको बहुत ही ब्लश करने लगा। तियांग जनको को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाते हैं और दरवाजा बंद कर देता है, और फिर से दोनों साथ में बहुत ही रोमांटिक होने लगे। जनको ने तियांग को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो, अभी अभी हम दोनों फ्रेश होकर आए हैं। तियांग जनको की आर के पास जाकर उस पर करते कहा, तब तो और मजा आने वाला है। एक कहकर तियांग की लिप पर किस कर लिया। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, तियांग जल्दी से उठ जाते हैं और वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगते हैं। जनको अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। तियांग ने उसकी फुरेट पे किस करते कहा, तुम लेटे रहना, जब तक तुम्हारी नींद नहीं पूरा हो जाते तुम मत उठना ठीक है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जनको ने कहा, तियांग ने कहा लेकिन कुछ नहीं है, आज तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, तुम पूरी रात नहीं सो पाए। जनको बहुत ही शाय होकर अपने फेस को चद्दर से कवर कर लिया और तियांग अपने ऑफिस के लिए निकल गए। यहाँ पर जनको फिर से सो जाता है और तियांग आज जल्दी ही ऑफिस आ गया था। आज ऑफिस में बहुत काम है, जेनी की वजह से कल काम रुक गया था, तो आज तियांग को वो पूरा करना है। जेहूप ने कहा, तियांग इतने सुबह को ऑफिस आ गए, तुम तो इतनी सुबह नहीं आते हो ना, तियांग तुम कल इतनी जल्दी क्यों चले गए थे, क्या सब कुछ ठीक है। तियांग जेहूप को सारी बातें कहता है। जेहूप ने कहा, क्या जेनी ऐसी लड़की है, मुझे समझ में नहीं आता है वो कितने लड़कों को इस तरह से फंसाने वाला है, उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है, मैं वाइन से प्यार करता हूँ, जेनी की वजह से वाइन और मेरे बीच में झगड़ा हो गया, और अभी जेनी तुम्हारे जनको के बीच में भी आने की कोशिश कर रहा है। तियांग ने कहा, छोड़ो भी, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करना है, मुझे जल्दी से काम खत्म करना है ताकि मैं जल्दी घर जा सकूं। तियांग को कोल्ड हो गया है। जेहूप ने कहा, तियांग तुम्हें बारिश में भीगने की आदत नहीं, तुम्हें कोल्ड हो गया है, तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम घर चले जाओ। तियांग शाम को जल्दी से घर आ जाता है। जनको ने तियांग के लिए पहले से ही सर्दी की दवाई बना लिया था क्योंकि जिन ने उसे बताया था
तियांग को बारिश में भीगने से वो बीमार पड़ जाता है। तियांग आते ही जंगको उसके सामने दवाई लिखा जाता है। तियांग ने कहा, ये क्या है? जंगको ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए प्यार से बनाया है, तुम इसको पियोगे ना? जिन तियांग को देखे जा रहा था। तियांग समझ जाता है। तियांग ने कहा, जंगको प्लीज ऐसा मत करो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उल्टी आने लगता है। जिन ने मुस्कुराते कहा, मैं जब देता हूँ तब तो नहीं पीना चाहते हो, आज मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो, जंगको के हाथ से पीते हो या नहीं। तियांग बहुत ही मासूम सी शक्ल बनाकर जंगको को देखता है, लेकिन जंगको तियांग को उसको पीने के लिए कहता है। तो फिर तियांग ने उसको पी लिया, लेकिन पीने के बाद जंगको की गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा। जिन अपनी आंखों पर हाथ डालते हुए कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे सामने, मैं भी यहाँ पर हूँ, भूल मत जाना। जंगको ने तियांग को खुद से अलग करते कहा, क्या कर रहे हो, ह्यूंग यहाँ पर है? तियांग ने कहा, जंगको तुमने मुझे इतनी कड़वी दवाई पिलाया है तो मुझे मुंह तो मीठा करना ही था ना, तुम्हें किस करने के अलावा और किसी चीज़ से मेरा मुंह मीठा नहीं होने वाला था, तो मैंने तुम्हें किस कर दिया? जिन ने कहा, तियांग तुम इतने बेशरम हो, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा तुम बहुत ही अनरोमांटिक हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत ही रोमांटिक निकले। तियांग ने कहा, इससे भी ज़्यादा रोमांटिक हो सकता हो। जिन ने कहा, इससे पहले कि तुम कुछ और करने लग जाओ, जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना गर्म कर देता हूँ। जंगको ने भी तुम्हारे लिए खाना नहीं खाया है, तुम्हारे साथ ही डिनर करेगा। उसके बाद तियांग कहता है, ठीक है। तियांग जाकर फ्रेश होकर आ जाते हैं और जंगको का तियांग साथ में डिनर कर रहा था, क्योंकि जिन ने आर्यन के साथ पहले डिनर कर लिया था, वो सोने चला गया था। जंगको का तियांग ही सिर्फ साथ में डिनर कर रहे थे, साथ में डिनर करते जंगको का तियांग बहुत ही रोमांटिक बातें कर रहा था। जंगको ने कहा, तियांग तुम बहुत ही रोमांटिक हो, मुझे लगा नहीं था तुम इतने रोमांटिक होंगे। तियांग ने कहा, तो तुम्हें क्या लगा था? जंगको ने कहा, कुछ भी नहीं। तियांग जंगको के पैरों में अपने पैरों से थोड़ा सा रोमांटिक हरकतें करने लगा। जंगको बहुत ही शय होकर कहता है, मैं डिशेज वॉश करके आता हूँ। तियांग ने कहा, छोड़ो मैं कर देता हूँ। जंगको ने कहा, मैं कर लूँगा। तियांग ने कहा, साथ में करते हैं। इसके बाद तियांग जंगको को गोद में उठाकर रूम में लेकर चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद तो जंगको का तियांग और भी रोमांटिक होने लगा, दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगको वो अभी बहुत ही उल्टी कर रहा था। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी वॉमिटिंग क्यों कर रहे हो? जंगको ने कहा, पता नहीं, मुझे सुबह से ही वॉमिटिंग हो रहा है, लगता है मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था। तियांग ने कहा, नहीं तुम्हें डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है, जिन ने पहले से ही डॉक्टर को बुला लिया था। जिन ने कहा, जंगको अब तुम कैसे हो? तियांग ने कहा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा हो कि आपने डॉक्टर को बुला लिया, लेकिन आपको कैसे पता चला? जिन ने कहा, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, जंगको बहुत ही वॉमिटिंग कर रहा है, आज तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, तो मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया। मुझे लगता है जंगको प्रेग्नेंट है, क्योंकि मेरे टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था जब नामजिन आया था। नामजिन 8 साल का हो चुका है, वो अभी हॉस्टल में है, वो कल ही वापस आने वाला है। तियांग ने कहा, अच्छी बात है, डॉक्टर कहता है। मिस्टर जिन आप सही बोल रहे थे, जंगको प्रेग्नेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन तियांग, तुम डैड बनने वाले हो। बिना शादी के प्रेग्नेंट होने की वजह से जंगको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगको, तुम खुश नहीं हो क्या? जंगको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हो रहा है। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? जिन ने कहा, तियांग क्योंकि तुम दोनों मैरिड कपल नहीं हो ना, इसीलिए। तियांग ने शाम को बहुत बड़ी पार्टी रखा है, इसी पार्टी में सभी लोग आने वाले हैं, ऑफिस के सारे स्टाफ से लेकर सभी बिजनेसमैन। जंगको ने कहा, तियांग आखिर तुम करने क्या वाले हो? तियांग जंगको की हाथ पकड़कर घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। जंगको ने कहा, तियांग ऐसा मत करो, प्लीज खड़े हो जाओ। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा ही करना था और मैं कब से सोच रहा था, लेकिन मैं सब कुछ करने में थोड़ा सा लेट कर देता हूँ, टाइम से नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं तुमसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा। उसके बाद मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ और इसको हमें एक नाम देना चाहिए, और इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस शादी के बिना मैं पहले से तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मान चुका हूँ, लेकिन इस फॉर्मेलिटी को हमें पूरा करना होगा। दिल से हम लोग हस्बैंड हैं, लेकिन लॉ के हिसाब से अभी तक हम लोग हस्बैंड नहीं हैं, तो हमें शादी करना होगा जंगको, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंगको ने तुरंत हाँ कर दिया। तियांग ने उसकी फिंगर पर रिंग पहनाया और उसकी आंख पर किस किया। उसके बाद जंगको का तियांग एक दूसरे के गले लगते हैं। कुछ महीने हो गए हैं, जंगको के टमी बहुत ही बड़े हो गए हैं,
तियांग ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। वो जनकुक को हक करके किस करना चाह रहा था, लेकिन जनकुक के टम्मी की वजह से वो उसे हक नहीं कर पा रहे थे। जनकुक ने तियांग से कहा, तियांग कहीं तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम तो नहीं हो जाएगा ना? तियांग ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हमारे बीच में बेबी आ रहा है? तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। उसके बाद तियांग जनकुक को पीछे से हक करते है, उसकी गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर किसकाता है, उसकी फेस को टर्न कर लिया था। उसके बाद तियांग जनकुक से अलग होकर कहा, देखा हम दोनों अभी भी बहुत ही करीब है, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ हम इस बेबी से बहुत प्यार करते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? जनकुक ने कहा, तुमने सही कहा, क्योंकि ये हमारी प्यार की निशानी है। जनकुक तियांग से कहता है, बेबी ने किक किया है? तियांग ने कहा, क्या मुझे भी महसूस करना है? जनकुक ने कहा, लेकिन वो अभी अभी किक किया था, फिर से करेगा नहीं मैं नहीं जानता हूँ। तियांग ने कहा, वो जरूर करेगा अगर वो मुझसे प्यार करता है तो। डैड अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, तुम जानते हो ना बेबी मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? प्लीज़ मुझे किक करो ताकि मुझे एहसास हो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। बेबी किक नहीं कर रहे थे, तियांग को लगा शायद बेबी उससे प्यार नहीं करता है। जैसे ही वो वहाँ से हटने लगा, बेबी फिर से किक करता है। तियांग बहुत ही खुश हो गया, एक बच्चे की तरह वो जनकुक को गोद में उठाकर नाचना शुरू करता है। जीना जाते हुए कहता है, तियांग तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इस बच्चे को मारना चाहते हो? उसके बाद जनकुक को वो नीचे उतरकर सोफे में बैठा देता है, कहता है, मैंने क्या किया है? जीन ने कहा, तियांग वो प्रेग्नेंट है, अब तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी जनकुक, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। उसके बाद तियांग जनकुक को बेडरूम में लेकर आ गया। उसको बेड पर सुलाने के बाद उसको प्यार से कहता है, आई एम सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। जनकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, वैसे भी मुझे भी अच्छा लग रहा था इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोक रहा था। आज के बाद से तियांग जनकुक की बहुत ही केयर करना शुरू करता है, वो हर छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ही केयरफुल रहता है। जनकुक बहुत ही प्राउड फील कर रहा था, तो उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला। जनकुक को डिलीवरी पेन शुरू हो गया था, तियांग जनकुक को लेकर हॉस्पिटल जा ही रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो जाता है, और उसके बाद तियांग कार को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। डॉक्टर ने तियांग को फ़ोन पर बताया उसको क्या करना है। उसके बाद तियांग खुद जनकुक की डिलीवरी करवाता है। जनकुक ने एक बहुत ही प्यारे से लिटिल प्रिंस को जन्म दिया है जो बहुत ही प्यारी था, जिसको देखकर जनकुक और तियांग दोनों को ही बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। जनकुक अपने सारे दर्द को भूल गया अपने लिटिल प्रिंस को देखकर, लेकिन तियांग सिर्फ जनकुक को ही देखे जा रहा था। उसकी फोरहेड पे किस करते कहता है, आई एम सॉरी। जनकुक ने कहा, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, जनकुक मेरे वजह से तुम्हें इतना तकलीफ पहुँच रहा है ना, मैं तुम्हें दोबारा ऐसी हालत में कभी नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने खुद अपने हाथों से जो किया है ना, उसके बाद मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा होगा। जनकुक ने कहा, तियांग तुम उसे इतना प्यार करते हो कि तुम इतना सोच रहे हो? हाँ ऐसा हर किसी के साथ होते हैं, जितने लोगों ने भी बच्चे को जन्म दिया होगा हर किसी को उतना ही पेन होता है जितना मुझे हुआ है। तुम इतना सोचो मत, इस बच्चे को देखने के बाद मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। उसके बाद दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहता है, और उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।